आज हमसे हमारा घर नहीं संभल पाता है और कल के लोग कैसे बादशाह क्या कहते थे। आओ एक मिसाल सुनो, उसके बाद अपने ईमान को ताजा करो। आपने नाम सुना भी है ना, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। जब तक खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं बने थे, जब तक अमीरुल मोमिनीन नहीं बने थे, जब तक सल्तनत इस्लामी के ताजदार ना बने थे, मामला ये था कि आम लोगों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन से सल्तनत इस्लामी के ताजदार बन गए हैं, जिस दिन से इस्लामी सल्तनत के बादशाह बने हैं, अब रात को आंखों की नींद टूट गई है, रात को निकल पड़ते हैं, कलियों का चक्कर लगाते हैं कि कहीं मेरी आया भूखी तो नहीं सो रही है, कहीं मेरी सल्तनत के लोग परेशान हाल तो नहीं है। सैयदना उमर फारूक है, इसी ख्याल में कलियों में चक्कर लगा रहे हैं। एक रात है, गश्त कर लगाते लगाते जब एक दरवाजे के करीब से गुजरे तो एक बूढ़ी माँ की आवाज ने चौंका दिया। बूढ़ी माँ के हल्के से निकली हुई आवाज उमर फारूक को झंझोड़ कर रख दिया। इस्लामी सल्तनत का बादशाह मुस्तरिब हो गया। आगे बढ़ा, कान दरवाजे से लगाकर सुना, आवाज आ रही थी, बेटे सो जा, मेरे लाल सो जा, खाना बन रहा है। इस आवाज का कानों में आना था, इस आवाज का कानों में आना था। आप परेशान हो गए, आखिर मामला क्या है कि एक तरफ खाना भी बन रहा है और दूसरी तरफ बच्चों को सोने की तरतीब भी की जा रही है। हालांकि जब खाना बन रहा होता है तो माएं अपने बच्चों को खिलाकर ही सुलाना पसंद करती हैं, लेकिन यहाँ मामला बरक्स है। आखिर माजरा क्या है? चुनांचे आप आगे बढ़ते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। एक बूढ़ी माँ दरवाजा खोलने के लिए आती है, फरमाया अम्मी जान, आखिर बात क्या है कि एक तरफ खाना भी बन रहा है और दूसरी तरफ आप बच्चों को सोने की तलकीन भी कर रही हैं। हालांकि जब खाना बन रहा होता है तो माएं अपने बच्चों को खिलाकर ही सुलाना पसंद करती हैं, लेकिन आपके यहाँ मामला बरक्स क्यों है? आखिर माजरा क्या है? इतना सुनता था बूढ़ी माँ बोल पड़ती है, बेटा आज कई दिन हो गए मेरे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं फाका पे फाका कर रहे हैं, बच्चे हैं भूख की शिद्दत से तड़प रहे हैं। आज जब बच्चे भूख से तंग आकर बिलबिलाने लगे तो मैंने उनकी तसल्ली के लिए चूल्हे पर हांडी चढ़ा दी, हांडी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है जो उबल रहा है, और मैं बच्चों को तसल्ली दे रही हूँ कि खाना बन रहा है ताकि किसी तरह बच्चे सो जाए तो आज रात भी भूखी प्यासी बसर कर लूं। इतना सुंदर था उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। इस्लामी सल्तनत का बादशाह जिसे रसूल की गुलामी का शरफ हासिल हो, अदालत में तय करो उमर फारूक जिसने उस रसूल का कलमा पढ़ा हो, जिस रसूल ने पैदा होते ही अमन और इंसाफ का गौहर लुटाया था, जिस रसूल ने गरीबों और मुफ्लिसों को सीने से लगाया था, जिस रसूल ने खुद बैठ कर पत्थर बांध कर भूखों को खाने खिलाया था, आज उस रसूल का कलमा पढ़ने वाला उमर उस बूढ़ी माँ की गुर्बत पर कैसे न तरस खाता? अरे वो आंख है जो दुश्मनों पर सोने पर साथी थी, आज उस बूढ़ी माँ की बेबसी पर आंसू बह रहे हैं। सल्तनत इस्लामी का ताजदार उसकी हालत सार का सदमा बर्दाश्त न कर सका, सीधे बैतुल माल आया, अनाज की बोरी खुद अपने कांधे पर उठाया, लेकर चलने के लगे, असलम नामी गुलाम सामने आकर खड़ा है, हुजूर आप ये जहमत क्यों फरमा रहे हैं, हमें ये बोरी दीजिए हम लेकर चलते हैं। तो उस वक्त इस्लामी सल्तनत का बादशाह बोल पड़ता है, मेरे गुलामों सुनो, जिस उमर के दौरे खिलाफत में एक बूढ़ी माँ अपने बच्चों के साथ भूखी सोने पर मजबूर है, उस उमर की सजा यही है कि वह अनाज की बोरी औरों के कंधे पर नहीं अपने कंधे पर लेकर जाओ, खुद अपने कंधे पर लेकर अनाज की बोरी पहुंचे। फरमाया अम्मी जान, ये है अनाज, लीजिए सपना खर्च चलाइए। बूढ़ी माँ ने जब ये मंजर देखा, बेसाफ था, आंखों से आंसू निकल आए, दुआएं देते हुए जज्बात भरे लहजा में कहती है, बेटा वह कौन उमर है जिसे लोगों ने अमीरुल मोमिनीन बना दिया है, बेटा वह कौन उमर है जिसे लोगों ने खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया है। बेटा सुन, अगर किसी को अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए, अगर किसी को खलीफतुल मुस्लिमीन होना चाहिए, अगर किसी को वक्त का बादशाह होना चाहिए
होते तो किसी और को नहीं तुम्हें होना चाहिए। अमर फारूक फरमाते हैं हम भी जान मैं ही वो अमर हूँ जिसे लोगों ने अमीर उल मोमिनीन बनाया। हजरत मैं बताना चाहता हूँ कैसा रहनुमा था मेरा वो अमर, कैसा लीडर था मेरा वो अमर। आज आज हम भी लीडर हैं, आज हम भी रहबर हैं, आज हम भी रहनुमा हैं, आज हम भी गार्जियन हैं अपने घर के, लेकिन आज हमसे हमारा घर नहीं संभल पाता है। जाने दिए इन बातों को, मैं ज्यादा तूल-तवाल में नहीं पढ़ना चाहता, पता नहीं ये चाहता हूँ साफ लफ्जों में सुनिए सुनिए। देखिए इंसान की एक इनफरादी जिंदगी है, एक इज्तिमाई जिंदगी है, इंसान की एक जाती जिंदगी है, एक समाज और सामाजिक और मुआशरती जिंदगी है, इंसान की एक पर्सनल लाइफ है और एक सोशल लाइफ है। और ये इंसान पर्सनल लाइफ के लिए नहीं पैदा किया गया, ये इंसान जाती जिंदगी के लिए नहीं पैदा किया गया, बल्कि ये सामाजिक जिंदगी के लिए पैदा किया गया है। और सामाजिक जिंदगी तब तक साजगार नहीं हो सकती, सामाजिक जिंदगी तब तक खुशहाल नहीं हो सकती जब तक कि एक दूसरे के हुकूक का लिहाज ख्याल न रखा जाएगा। ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये टकराव, ये तसादुम तो तब होता है जब किसी का हक उड़ा दिया जाए। मिसाल के तौर पर देखिए आप हजरात यहाँ बैठे हैं, कितने सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे हैं, बजाहिर किसी में कोई इख्तलाफ नहीं, सब मुत्तहिद हैं, सब मुत्तफिक हैं, लेकिन इसी इत्तेहाद के माहौल में, इसी इत्तेफाक के माहौल में अगर कोई किसी की टोपी छीन ले, कोई किसी को एक तमाचा जड़ दे, अब बताओ जिसकी टोपी छीनी गई क्या वो खामोश बैठा रहेगा, जिसको तमाचा जड़ेगा क्या वो खामोश बैठा रहेगा, नहीं, फौरन उठ खड़ेगा, गिरीबान में हाथ डालेगा, टकराव शुरू हो जाएगा। तो पता चला कि जब तक एक दूसरे के हुकूक का लिहाज और ख्याल रखा जाएगा मामला सालिम और बेहतर रहेगा, मगर जो ही किसी की हम तलफी हुई टकराव शुरू हो जाएगा। लेकिन आज के इंसानों का सबसे बड़ा अलविया यह है कि आज का इंसान सिर्फ अपना हक ढूंढता है, देखता है कि मेरा हक किसके ऊपर है, और अपना हक लेने के लिए कोर्ट, थाने, कचहरी हर जगह चला जाता है, अपना हक ढूंढता है, अपना हक मांगने के लिए जहां जाना पड़े वो जाता है। बाप को सिर्फ ये शिकायत है कि मेरा बेटा मेरा हक क्यों नहीं अदा करता, और बेटे को ये शिकायत है कि मेरा बाप मेरी देखरेख क्यों नहीं करता, एक पड़ोसी को ये शिकायत है कि मेरा पड़ोसी मेरे साथ उसने सुलूक क्यों नहीं करता, बेटी को ये शिकायत है कि मेरी माँ मेरे साथ अच्छा सुलूक क्यों नहीं करती। यानी सबको अपना हक चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मेरे ऊपर भी किसी का हक है कि नहीं, मैं वो सही से अदा कर रहा हूं कि नहीं। आज हर इंसान की एक ही सोच बन गई है कि मेरा हक किसके ऊपर है। इंसानों का सबसे बड़ा अलविया यही रह गया कि मेरा हक किसके ऊपर है, वो मेरा हक देता क्यों नहीं, और ये नहीं सोचता कि मेरे ऊपर भी किसी का हक है। अरे इंसान, तू जो सोचता है कि सब पर तुम्हारा हक है, सुन, है तुम्हारा भी हक है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को पैदा किया कि वो तुम्हें रोशनी दे, ये तुम्हारा हक है। अल्लाह ताला ने पानी को पैदा किया कि वो आपकी प्यास बुझाए, ये आपका हक है। अल्लाह ने जमीन पैदा की कि आप उससे गल्ला और अनाज पैदा करें, ये आपका हक है। लेकिन कभी ये भी सोचा कि जमीन का भी मेरे ऊपर कुछ हक है? अरे अल्लाह ने जमीन पैदा की ताकि आप उससे गल्ला और अनाज पैदा करें, जमीन का फर्श बिछाया ताकि आप उस पर लेटे, जमीन को वजूद में लाया ताकि आप उस पर चले, ये सब आपका हक है। लेकिन कभी ये भी सोचा कि जमीन का भी मेरे ऊपर कुछ हक है? अरे अल्लाह ने जमीन पैदा की कि आप उससे गल्ला और अनाज पैदा करें, जमीन का फर्श बिछाया ताकि आप उस पर लेटे, ये सब आपका हक है। लेकिन जमीन का आपके ऊपर हक ये है कि आप जमीन पर तो चले मगर अकड़ कर ना चले, पैर पटक कर ना चले। ला तम से फिलहाल दे मरहा इन नकल लम तखलिक अल अर्ध वलम तबलुग अल जबाल तूला। ए लोगो, जमीन पर अकड़ कर मत चलो, इसलिए कि ना ही तुम जमीन को चीर सकते हो और ना ही ऊंचाई में पहाड़ों को पहुंच सकते हो। तो जमीन बनाई गई है, आपका हक है जमीन पर कि आप चलो, लेकिन जमीन का भी आपके ऊपर हक है कि जमीन पर तो चलो, अकड़ कर मत चलो, इतराते हुए मत चलो, बल खाते हुए मत चलो, चलो रास्ते पे काटे हुए पत्थर को हटा दो। ईमान के शोबों में से एक शोबा भी है। रिवायत में है रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब जन्नत को दोसा की सैर फरमा कर दुनिया में तशरीफ लाए, फरमाने लगे लोगों सुनो,
मैं चंदन की सैर कर रहा था, क्या देखा, एक शख्स है एक हरे भरे दरख्त के नीचे लेटा, बड़े आराम की नींद सो रहा है, करवटें बदल रहा है। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन है, किस अमल का इसको ये सिला मिला? जिब्रील ने आंसर किया, आका ये बहुत ऊंचे अमल का सिला है, आका ये बहुत अच्छे अमल का सवारा है। बजाय तो मामूली सी बात थी कि मस्जिद के रास्ते में कांटादार दरख्त था, जब नमाजी नमाज पढ़ने जाते तो कभी उनके दामन में कांटा चुभता था, कभी उनके तलवों में कांटा गिरता था। इस बेचारे ने जब ये देखा कि अल्लाह के घर में आने जाने वालों को तकलीफ हो रही है तो रहा ना गया, उल्हाड़ा लिया, दरख्त को काट कर रास्ता साफ कर दिया। आका बजाहिर तो उसने एक पौधा काटा था, मगर खुदा इसे जलाल ने उसी के नतीजे में जन्नत वाली कर दी। रात में बताना ये चाहता हूँ, ये मजहब इस्लाम ने सबके हुकूक को खोल खोल कर बयान किया है, और जब तक आप सबके हुकूक का ख्याल न रखेंगे तब तक आप सोचें कि हमारा घर